स्वागत करती हूँ सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर में। सिटी न्यूज की टीम की तरफ से आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। तो चलिए करते हैं शुरुआत आज की मुख्य खबरों के साथ। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं विकास कलेक्शन शोरूम। 75वें स्वतंत्रता दिवस पर पंडित जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में जिलाधिकारी प्रणव कुमार ने किया झंडोत्तोलन। स्वतंत्रता दिवस पर जिला के आला अधिकारियों ने अपने अपने कार्यालयों में किया झंडोत्तोलन। और 75वें स्वतंत्रता दिवस पर रामगढ़ परिवार द्वारा शहर में निकाला गया 351 फीट का तिरंगा यात्रा। तो ये थी आज की मुख्य खबरें। अब खबरें विस्तार से। 75वें स्वतंत्रता दिवस पर जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में जिलाधिकारी प्रणव कुमार ने झंडोत्तोलन कर जिलावासियों को संदेश दिया। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मुजफ्फरपुर स्थित सिकंदरपुर स्टेडियम में झंडोत्तोलन का मुख्य कार्यक्रम आयोजित किया गया। डीएम प्रणव कुमार ने झंडोत्तोलन कर देश के वीर सपूतों को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने आजादी के लिए अपने प्राण न्योछावर करने वाले वीर शहीदों को नमन किया। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, अमर शहीद खुदीराम बोस, प्रफुल्ल चाकी, शहीद जुब्बा सहनी, वारिस अली समेत अन्य स्वतंत्रता सेनानियों को याद किया गया। डीएम ने कहा कि आज इन्हीं महान विभूतियों के कारण हमारा देश आजाद हुआ। आज हम अमन चैन से इस देश में रह रहे हैं। ये इन महान स्वतंत्रता सेनानी के बलिदान का ही नतीजा है। हम इन वीर शहीदों को नमन करते हैं। स्वतंत्रता सेनानियों महान विभूति अमर शहीद खुदीराम बोस, अमर शहीद जुब्बा साहनी, वारिस अली, मकबूर एजाजी, सफी दाऊद तथा अपने प्राणों की आहुति देकर स्वतंत्रता दिलाने में अहम भूमिका अदा करने वाले सभी अमर शहीदों के प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। आज इस समारोह में उपस्थित सभी नागरिक, माताएं, बालिकाएं, सभी प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के प्रतिनिधि, सभी अधिकारीगण, जनप्रतिनिधि एवं पुलिस प्रशासन के पदाधिकारी एवं पुलिस बल का स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। स्वतंत्रता आंदोलन में मुजफ्फरपुर जिले के स्वतंत्रता सेनानियों की अभूतपूर्व और अहम भूमिका रही है। यह जिला गंगा जमुनी तहजीब का बेहतर उदाहरण है। मुजफ्फरपुर को इस्लामी और हिंदू सभ्यताओं की मिलन स्थली के रूप में भी जाना जाता है। दोनों सभ्यताओं के रंग यहाँ गहरे मिले हुए हैं और यही इस क्षेत्र की सांस्कृतिक पहचान भी है। आज इस पावन राष्ट्रीय त्यौहार के अवसर पर मुझे यह कहते हुए अपार हर्ष हो रहा है कि हमारा मुजफ्फरपुर जिला देश और राज्य के विकास के साथ कदम से कदम मिलाते हुए समग्र विकास की ओर अग्रसर है। हम सभी जानते हैं कि वर्ष 19 में AES चमकी बुखार से 100 से अधिक बच्चों की मौत हुई थी, जो हमारे लिए काफी दुखदायी था। सरकार के द्वारा विभिन्न माध्यमों से प्रखंड, पंचायत एवं गाँव एवं टोला के स्तर पर भी जागरूकता के विभिन्न कार्यक्रम और अभियान चलाए गए। पहली बार इस बार हम लोगों ने 5 LED वाहनों के माध्यम से जिले के विभिन्न प्रखंडों के विभिन्न महादलित टोलों में, लगभग 500 महादलित टोलों में 1 माह तक सघन जागरूकता अभियान चलाया है। पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य करते हुए हमने चमकी बुखार को नियंत्रित करने में सफलता पाई है और सभी बच्चों को इलाज के बाद घर भेजने में भी सफलता पाई है। मुजफ्फरपुर जिला में मद्य निषेध के सफल कार्यान्वयन हेतु मद्य निषेध विभाग एवं पुलिस विभाग के द्वारा हर स्तर पर प्रभावी कार्य किया जा रहा है। शराब के अवैध धंधे में लिप्त तत्वों एवं माफियाओं का नेटवर्क ध्वस्त किया गया है। पुलिस विभाग और मद्य निषेध विभाग के द्वारा अप्रैल 16 से लेकर जब से मद्य निषेध की शुरुआत हुई तब से लेकर अब तक जुलाई 2022 तक कुल 15,750 अभियोग दर्ज किए गए और 19,000 से भी अधिक व्यक्तियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा। झंडोत्तोलन के बाद सभी रेजिमेंट के जवानों ने राष्ट्र ध्वज को सलामी दी। हमारे सुरक्षा बलों की कुर्सियों का निरीक्षण, देश की रक्षा के लिए, देश की सुरक्षा के लिए अपने प्राणों के बलिदान कर रहे हैं। संख्या 1,000 से अधिक कैंप जिला मुजफ्फरपुर पूरे सुसज्जित हैं। सुरक्षा के लिए लगातार और उसके बाद
जो हमारे सुरक्षा बलों की टुकड़ियां हैं, इन्हें मन से जिन्हें मिला है उन्हें हम आमंत्रित करते हैं। जिला पुलिस पुरुष तृतीय स्थान और इसके प्लाटून कमांडर मंच पे आएंगे, जिसके प्लाटून कमांडर हैं विजय कुमार सिंह मंच पे आएंगे और आदरणीय जिलाधिकारी महोदय। और वही जिलाधिकारी ने मैट्रिक और इंटर की परीक्षा में जिले में टॉप करने वाले छात्रों को पुरस्कृत किया। साहिस्ता खातून हाई स्कूल द्वारका नगर और दूसरे स्थान पे ही है रवि कुमार आरआर हाई स्कूल बिंदा। साहिस्ता खातून और रवि कुमार ये सभी जिले के टॉपर हैं और ऐसे तीन प्रतिभागी हैं जो दूसरे स्थान प्राप्त किए हैं। पर प्रतिभा साहिस्ता खातून जिन्हें उप विकास आयुक्त जिला शिक्षा पदाधिकारी के द्वारा इन्हें सम्मानित किया जा रहा है। सुप्रसाद एसपी हाई स्कूल सकरा, एसपी हाई स्कूल सकरा और इन्हें भी सम्मानित कर रहे हैं जिला शिक्षा पदाधिकारी आदरणीय श्री अजय कुमार सिंह सर। वरीय पुलिस अधीक्षक मैडम और अनन्या मैडम के द्वारा इन प्रतिभावान छात्रों को सम्मानित किया जा रहा है। और इसके बाद सौम्या प्रिया आर्यन सिंह रामेश्वर महाविद्यालय ये भी तीसरे हमारे वरीय पुलिस अधीक्षक और हमारे जिलाधिकारी महोदय स्थान पे हैं। लंगट सिंह महाविद्यालय मुजफ्फरपुर, गौतम कुमार बीवी कॉलेजेट मुजफ्फरपुर विद्यालय ये वाणिज्य में दूसरे स्थान पे है। बहुत बहुत बधाई शुभकामना, ये हमारे देश के भविष्य हैं। आने वाले समय में आदित्य राज वाणिज्य में द्वितीय स्थान पे, सत्यम शाही बीसी बिल्डी महाविद्यालय खरौना कला में दूसरा स्थान, वाणिज्य में प्रथम स्थान पे हैं। उसके बाद कला में लंगट सिंह महाविद्यालय से प्रथम स्थान कला में पुलिस अधीक्षक आदरणीय श्री जयकांत सर के द्वारा संयुक्त रूप से इन्हें सम्मानित किया जा रहा है। शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए आजादी के 75 वर्ष पूरे होने और स्वतंत्रता दिवस को लेकर पंडित जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में जिलाधिकारी प्रणव कुमार ने ध्वजारोहण किया। ध्वजारोहण करने के बाद जिलाधिकारी ने आम लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि जिला जो है वो कोविड से कैसे निजात पाया और कितना जल्दी रिकवर हुआ। इसके अलावा स्मार्ट सिटी पे के कार्यों की चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि शहर में काफ़ी तेज़ी से विकास हो रहा है और जितने भी सरकारी जो योजना चल रही है उस पर भी जिला में काफ़ी तेज़ी से काम कर रहा है। इसके बाद उन्होंने स्वतंत्रता सेनानी को भी सम्मानित किया। इसके अलावा जो कोविड में जो हॉस्पिटल कार्य अच्छा किया उसको भी सम्मानित किया है। कैमरामैन विजय के साथ प्रदीप कुमार केसरी, सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। स्वतंत्रता दिवस पर जिले के तमाम आला अधिकारियों ने अपने अपने कार्यालयों में झंडोत्तोलन किया। 75वें स्वतंत्रता दिवस पर समरणालय में जिलाधिकारी प्रणव कुमार ने झंडोत्तोलन किया। इस मौके पर जिले के तमाम आला अधिकारी मौजूद रहे। झंडोत्तोलन के बाद जवानों ने राष्ट्रीय ध्वज को सलामी दी। वहीं दूसरी ओर स्वतंत्रता दिवस पर मुजफ्फरपुर परिक्षेत्र के आईजी कार्यालय में आईजी पंकज सिन्हा ने झंडोत्तोलन किया। इस मौके पर डीएम एसएसपी समेत सभी अधिकारी मौजूद रहे। झंडोत्तोलन के बाद जवानों ने राष्ट्रीय ध्वज को सलामी दी। 75वें स्वतंत्रता दिवस पर वरीय पुलिस अधीक्षक कार्यालय में एसएसपी जयंत कांत ने झंडोत्तोलन किया। इस मौके पर पुलिस विभाग के सभी अधिकारी मौजूद रहे। झंडोत्तोलन के बाद एसएसपी ने राष्ट्रीय ध्वज को सलामी दी।
स्वतंत्रता दिवस पर उप विकास आयुक्त कार्यालय में डीडीसी आशुतोष द्विवेदी ने झंडोत्तोलन किया और राष्ट्रीय ध्वज को सलामी दी। अच्छा जब हाल है यार। जिले के सभी राजनीतिक दलों के जिलाध्यक्ष ने अपने अपने जिला कार्यालय में झंडोत्तोलन किया। आजादी के 75वीं वर्षगांठ पर जिला राजद कार्यालय पे अध्यक्ष रमेश कुमार ने झंडोत्तोलन किया और झंडे को सलामी दी। इस मौके पर सभी राजद के नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। महानगर अध्यक्ष रतन चौधरी ने सिकंदरपुर स्थित करबला चौक के पास कार्यालय में झंडोत्तोलन किया। इस दौरान भारत के वीर शहीदों को याद किया गया। 75वें स्वतंत्रता दिवस पर जिला जदयू व्यवसायिक एवं उद्योग प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष ने झंडोत्तोलन किया। इस मौके पर प्रकोष्ठ के सभी सदस्य मौजूद रहे। स्वतंत्रता दिवस पर जीडी मदर स्कूल में स्कूली बच्चों ने एक से बढ़कर एक कार्यक्रम की प्रस्तुति की। 75वें स्वतंत्रता दिवस पर जीडी मदर इंटरनेशनल स्कूल में स्कूल की चेयरमैन ने झंडोत्तोलन किया। इसके बाद स्कूली बच्चों ने राष्ट्रीय गीतों पर एक से बढ़कर एक कार्यक्रमों की प्रस्तुति की। नंद कुमार शाह नंदू बाबू ने अमृत महोत्सव को लेकर शहर वासियों को शुभकामनाएं दी। ये देश का स्वतंत्र देश का 76वां स्वतंत्रता दिवस है और इस वर्ष चूंकि हमारे स्वतंत्रता को 75 वर्ष पूरे हो गए हैं, इसलिए हम लोग इस बार अमृत महोत्सव मना रहे हैं। इस अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में इस अवसर पर हम इस देश के सारे जो इस देश के स्वतंत्रता आंदोलन के लिए जो कुर्बानी दिए हैं उनके प्रति हम हार्दिक नमन करते हैं। इस देश को आज़ादी दिलाने में जिनका भी योगदान रहा उन सबके प्रति हम नमन करते हैं और इस शुभ अवसर पर, मंगलमय अवसर पर, राष्ट्रीय पर्व त्यौहार के अवसर पर हम इस नगर के 75वें स्वतंत्रता दिवस पर पूर्व मंत्री सुरेश शर्मा के आवासीय कार्यालय परिसर में अमृत महोत्सव का आयोजन किया गया। आज देश में आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ है और 76वां स्वतंत्रता दिवस है, जिसको लेकर पूरे देश के लोगों में काफ़ी उत्साह का माहौल रहा। जिले में भी सभी धर्मों के लोगों ने इस महापर्व को धूमधाम के साथ मनाया। इसी कड़ी में चक्कर स्थित अपने आवासीय कार्यालय में पूर्व मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता सुरेश कुमार शर्मा ने अपने कार्यकर्ताओं के साथ आज़ादी का अमृत महोत्सव समारोह को धूमधाम के साथ मनाया। छोटे छोटे स्कूली बच्चों के साथ ध्वजारोहण करने के बाद राष्ट्रीय ध्वज को सलामी देते हुए राष्ट्रगान को गाया। समारोह के दौरान पूर्व मंत्री ने भाजपा के वरिष्ठ और उपस्थित गण्यमान्य को अंग वस्त्र देकर सम्मानित भी किया। पूर्व मंत्री ने कहा कि मुझे गर्व है भारतीय होने का। आज के ही दिन देश को स्वतंत्रता मिली थी। आज पूरे देश में आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है। देश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में उन्नति की ओर बढ़ रहा है। देखिए, पूरे देश में प्रधानमंत्री का जो आह्वान हुआ कि अमृत महोत्सव 13 से 15 तक में मनाया जाए, इस अवसर पर पूरे देशवासी ने उनके इस आह्वान को स्वागत किया और हम समझते हैं कि बिहार में मुजफ्फरपुर में तो घर घर पर झंडा लगा रहे हैं लोगों ने और हम समझते हैं कि इस संकल्प को लोगों ने दोहराया कि यह समृद्ध भारत बनाने की जो कल्पना और विश्वगुरु बनाने की जो कल्पना हमारे प्रधानमंत्री ने किया है उस आह्वान को भी भारतवासी पूर्ण करेंगे और इसका आज एक तरह से
इसको एक तरह से इसकी इनकी भावना बता रहा है जनता की कि उनके आह्वान को लोगों ने पूरा आत्मसात किया है और हम समझते हैं कि जो उनका विचार आया है कि यह देश जो भ्रष्टाचारियों ने इस पैसे को अपने पास जो जमा किया है वह देश में उनको देना पड़ेगा और देश में लोगों को ईमानदारी बरतनी पड़ेगी। हम समझते हैं कि उनके भी इस विचार को देश स्वागत करेगा और हमारा जो एकता अखंडता का जो नारा उन्होंने दिया है देश उसको पूर्णतः निभाएगा। आज हम देख रहे हैं कि मुस्लिम भाइयों में भी उतना ही उत्साह है राष्ट्र के प्रति। मुस्लिम भाई भी झंडा लेके उनके बच्चे मदरसा से सारे लोग रोड पर निकले हुए हैं। यह दर्शाता है कि गंगा जमुना की जो संस्कृति है वो भारतवर्ष को समृद्ध संपन्न स्वाभिमानी बनाते रहेगा। यहाँ समय हो चला एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। जिले की शान बन चुकी बाबा लहठी अब लोगों की जरूरत बन चुकी है। अत्याधुनिक रेंज और भरोसे को समेटे हुए लोगों के लिए नई नई डिजाइनर लहठी उतारते रहते हैं। ऐश्वर्या राय बच्चन, सचिन तेंदुलकर की पत्नी से लेकर न जाने कितने सारे नामी हस्तियां इस लहठी के दीवाने हो चुके हैं। लोगों के साथ ने ही बाबा लहठी की पहचान देश से लेकर विदेश तक बनाई है। ऐसा साथ बनाए रखने के लिए आप लोगों का तहे दिल से धन्यवाद। कहते हैं कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। तो अगर आप में भी है जज्बा कुछ कर दिखाने का, अगर आपके अंदर भी है एक जीनियस, अगर आप भी छूना चाहते हैं आसमान की ऊंचाइयों को, क्रैक करना चाहते हैं IIT JEE, एम्स, नीट, NTSC, KVPY या फिर ओलंपियाड, तो आपके हौसलों को उड़ान देने के लिए है जीनियस क्लासेस। जी हाँ, सही सुना आपने, जीनियस क्लासेस फॉर IIT JEE, एम्स, नीट, NTSC, KVPY, ओलंपियाड फॉर 8th, 9th, 10th, 11th, 12th एंड टारगेट। अपने बेहतरीन सक्सेस रिकॉर्ड के साथ सफलता की नई ऊंचाइयां गढ़ रहा है जीनियस क्लासेस। तो माय डियर स्टूडेंट्स, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th एंड टारगेट के लिए नए बैचेस शुरू होने वाले हैं जीनियस क्लासेस में, जहां है सेपरेट हॉस्टल फॉर बॉयज एंड गर्ल्स। जल्दी से पता नोट करें, जीनियस क्लासेस स्टडी सेंटर, पंकज मार्केट, सरियागंज, मुजफ्फरपुर। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 7635091378 या फिर 7635091387 या फिर आप कॉल कर सकते हैं 7635091396 या 9006911690 पर या फिर 9128482268। जीनियस क्लासेस। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन विजिट आवर वेबसाइट www.geniusclasses.in और ईमेल अस ऑन info@geniusclasses.in। रजिस्ट्रेशंस आर ओपन and new batches are starting soon. Rush to Genius Classes, Study Center, Pankaj Market, Saraiyaganj, Muzaffarpur. अपने सपनों के आशियाओं को दे एक नई पहचान माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कचारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते और जहाँ मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड, मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल, दादर रोड, मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753111। आपका भरपूर प्यार और साथ मिलने के कारण ग्राहकों की सुविधा को देखते हुए नीलकमल का फैक्ट्री आउटलेट का दूसरा ब्रांच अखाड़ा घाट रोड KFC के सामने खुल गया है, जिसमें ग्राहकों को सभी प्रोडक्ट पर विशेष छूट दी जा रही है। वहीं नीलकमल का पहला ब्रांच मिठनपुरा नारायणपुर रोड वैशाली मैनेजमेंट के सामने है, जो कि लगातार ग्राहकों की सेवा करता आ रहा है। उत्तर बिहार का पहला एक्सक्लूसिव शोरूम है, जहां ऑफिस फर्नीचर और होम फर्नीचर की सभी रेंज उपलब्ध है। तो एक बार सेवा करने का मौका जरूर दें। पहला ब्रांच मिठनपुरा नारायणपुर रोड और दूसरा ब्रांच अखाड़ा घाट रोड। हमारा मोबाइल नंबर है 9334900888 और 7004320580। नीलकमल का एक्सक्लूसिव शोरूम, जो पहले से
मिठनपुरा नारायणपुर रोड में अपोजिट वैशाली रूरल मैनेजमेंट में चला आ रहा है। वहाँ पे हमें आप लोगों का बहुत सारा प्यार मिला और इसीलिए हम लोगों ने अपना दूसरा ब्रांच सार्थक सेल्स एंड मार्केटिंग के ज्वाइंट वेंचर से अखाड़ा घाट रोड में KFC के सामने कृष्णा टॉकीज के बगल में सुविधा कॉम्प्लेक्स में हम लोगों ने खोला है, जो कि कंपनी का फैक्ट्री आउटलेट है, जहाँ नीलकमल के विस्तृत रेंज आपको 40% तक के डिस्काउंट पे मिलेंगे और मैट्रेस का भी एक विस्तृत रेंज है। और आप लोगों से निवेदन है कि एक बार आप पधारें और इस दुकान की जो सबसे अच्छी विशेषता है कि उधार चालू है, तो HDFC और बजाज के माध्यम से आपको फिनांस की भी सुविधा है, आप अपने घरों को फिर से बहुत अच्छे से सजा सकते हैं। ST इंटरनेशनल स्कूल, इफ यू वांट टू गिव योर चाइल्ड अ स्ट्रांग फाउंडेशन, द स्कूल ऑफ योर ड्रीम, प्ले टू 10th बेस्ड ऑन CBSE करिकुलम। हमारे यहाँ अनुभवी एवं प्रशिक्षित शिक्षकों द्वारा बच्चों के देखभाल के साथ स्मार्ट क्लास द्वारा शिक्षण की सुविधा है। कक्षा 1 से 10 तक कंप्यूटर की मुफ्त शिक्षा के अलावे छात्र एवं छात्राओं के संगीत तथा नृत्य की शिक्षा की भी व्यवस्था है। पूरा स्कूल CCTV कैमरे से लैस है। स्कूल में बच्चों का नामांकन फ्री किया गया है। हमारे यहाँ अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए जरूर पधारे। हमारा पता है बांध रोड, शेखपुर, अखाड़ा घाट, मुजफ्फरपुर। आवर कॉन्टैक्ट नंबर इज 8757652616 एंड 9955132616। हमारे स्कूल का कुछ मेन फीचर्स है, जैसे बच्चों की देखभाल करना। हमारे यहाँ पुस्तकालय वगैरह की पूरी अच्छे तरीके से व्यवस्था है। क्लासरूम सारा बना हुआ है। CCTV कैमरे से हमारा क्लासरूम डेकोरेटेड है। सिक्योरिटी के भी विजन से हमारा क्लासरूम बहुत प्रोटेक्टेड है। हमारे यहाँ जो भी शिक्षक शिक्षिकाएं आई हैं पढ़ाने के लिए, वो काफ़ी वेल एडुकेटेड हैं और वेल वर्स्ड भी हैं। हमारा विद्यालय भी चारों तरफ से बना हुआ है। हमारे यहाँ लैब बहुत अच्छे से बना हुआ है। कंप्यूटर की फ्री शिक्षा हम इस बार इसको दे रहे हैं। हमारे यहाँ नामांकन प्रारंभ है। फैशन की दुनिया में कदम से कदम मिलाकर चलना चाहते हैं, वो भी कम बजट में, तो एक बार जरूर जाएं मोती झील पूजा बाजार स्थित विकास कलेक्शन शोरूम में। यहाँ रिमन, पार्क, US पोलो, मुफ्ती शर्ट, ब्लैक बेरी के एक्सक्लूसिव रेंज उपलब्ध है। इसके अलावा सियाराम की कोट पैंट, ब्लेजर और शेरवानी भी उपलब्ध है। सभी ब्रांड में एक पीस के खरीद पर 20% तथा दो पीस के खरीद पर 30% की विशेष छूट दी गई है। तो हमारे यहाँ एक बार अवश्य पधारे। हमारा पता है विकास कलेक्शन BV कॉलेज स्कूल के अपोजिट पूजा बाजार मोती झील। हमारा संपर्क नंबर है 9835104722। हाँ पहले आप लोग का नमस्कार। मेरे यहाँ विकास गारमेंट जो पूजा मार्केट मोती झील में, लगन के शुभ अवसर के लिए कोट पैंट, ब्लेजर, विंटर के जैकेट, स्वेटर, मतलब सब चीज़ें, शेरवानी, अंडर गारमेंट, सारे चीज सब ब्रांड में है। टी शर्ट भी सब वो है, और राउंड में टी शर्ट है, गोल गला में टी शर्ट है, सभी तरह का ब्रांड है। और सबसे अच्छा ये है कि हम ऑफर देते रहते हैं अभी मोस्टली। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है। तो चलिए रुक करते हैं अन्य खबरों की ओर। स्वतंत्रता के अमृत महोत्सव को लेकर संस्कार भारती द्वारा शहर में तिरंगा यात्रा निकाली गई। स्वतंत्रता के अमृत महोत्सव के अवसर पर सोमवार को संस्कार भारती की ओर से राष्ट्र के सम्मान में तिरंगा यात्रा निकाली गई। यह तिरंगा यात्रा शहर के राम दयालु सिंह महाविद्यालय के प्रांगण से निकाली गई, जो शहर के विभिन्न मार्गों से होते हुए सरैयागंज टावर पर पहुंचकर राष्ट्रगान के साथ संपन्न हुई। मौके पर RDS कॉलेज की प्राचार्या ने कहा कि प्रधानमंत्री जी का मुहिम है कि लोकल फॉर वोकल और लोकल फॉर ग्लोबल, और इसमें हम सभी लोगों को कार्य करना है। सभी लोगों का यही प्रयास होना चाहिए कि जो भी सामान खरीदे या बेचे वह राष्ट्र निर्मित हो, जिससे लोक व्यापार को फायदा हो और लास्ट का पैसा राष्ट्र के अंदर ही रहे। वही वार्ड 31 के पार्षद प्रतिनिधि जीवेश कुमार ने कहा कि तिरंगा यात्रा में हजारों की संख्या में लोगों ने भाग लेकर अपनी सहभागिता दी है, और इस मौके पर हम सभी लोगों ने संकल्प लिया है कि देश की एकता और अखंडता को सकुशल रखेंगे। आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर रामदयालु सिंह कॉलेज के प्रांगण से हजारों देशवासियों की भीड़ अपने अपने तिरंगा झंडा के साथ सड़कों पर अमृत महोत्सव मनाने के लिए निकल पड़ा है। हजारों लोगों के इस बलिदान के बाद हमें आज़ादी मिली है, और आज
75वां वर्ष में देश में देश की अखंडता, देश की एकता के लिए हम लोग संकल्प लेते हैं कि हम इस देश की एकता और अखंडता को अक्षुण रखेंगे, क्षेत्र भाषा और जाति से ऊपर उठकर। यह आज का संकल्प है हमारा। प्रतिनिधि, मेरे आज ही 75वें स्वतंत्रता दिवस पर IDS कोर्ट प्रांगण से अमृत उत्सव का जो प्रचार महोदया के द्वारा शुभारंभ हो रहा है, इसमें यहाँ के सभी जनमानस लोग, भाई बंधु और मर्द जितने भी लोग हैं, और खास करके प्रचार महोदया का इसलिए मैं धन्यवाद देता हूँ कि ये सभी तरह से कॉलेज के तरफ से, स्टाफ के तरफ से, या जो भी सहयोग, पानी बिजली जो भी मुहैया करवाना है, काफ़ी सुंदर व्यवस्था करवाए और हम लोग को काफ़ी प्रोत्साहन दिए हैं। और हम लोग यहाँ से अभी अमृत महोत्सव को झंडा। मैं प्राचार्य रामदयालु सिंह महाविद्यालय, हमारे कैंपस से अभी जो ये झंडा यात्रा निकल रहा है, मैं इसके लिए गौरवान्वित महसूस कर रही हूँ कि हमारे रामदयालु सिंह महाविद्यालय से ये झंडा यात्रा निकल रहा है। आज़ादी का अमृत महोत्सव, जो आज हमारे आज़ादी का 75वां वर्ष पूरा हुआ, अगले एक वर्ष तक और इस अमृत महोत्सव को मनाया जाना है, तो निश्चित रूप से हमारे जो भारत सरकार का सपना है, अभी आज़ादी के बाद जितना भारत तरक्की किया है उसके बावजूद भी अभी हमारे सरकार सेंट्रल मिनिस्टर का जो सपना है कि लोकल फॉर वोकल, लोकल फॉर वोकल एंड लोकल फॉर ग्लोबल, कि अभी जो हमारे यहाँ जो भी बाहर से आयात हो रहे हैं और निर्यात हो रहे हैं, क्यों ना हमारे जो भारतवर्ष सोने की चिड़िया थी वो आज हमारा भारतवर्ष सोने की चिड़िया हो, फिर से हो, उसके लिए हमें लोकल फॉर वोकल और वोकल फॉर ग्लोबल पे आना पड़ेगा। तो जैसे आज ही आप देख लें कि ये झंडा आप देख रहे हैं कि ये सैकड़ों झंडा है, निश्चित रूप से हमारे भारत के ही कोई ना कोई व्यवसायिक बनाए होंगे और बनाए, और इसका बिक्री भी यही हुआ, कोई ये फॉरेन गुड्स नहीं है। तो ऐसी स्थिति में जो व्यवसायिक होंगे उनको तो इनकम हुआ होगा, वो इनकम किसको हुआ, हमारे देश को हुआ, तो हमारे देश की पूंजी बाहर क्यों जाए। और आज़ादी पाने के लिए हमारे जो पूर्वजों ने संघर्ष किया उससे प्रेरणा लेने। स्वतंत्रता दिवस पर रामगढ़ परिवार द्वारा 351 फीट लंबी तिरंगा यात्रा निकाली गई। 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर सोमवार को शहर के रामगढ़ परिवार की ओर से भव्य तिरंगा यात्रा निकाली गई। इस बार इस तिरंगे की खास बात यह रही कि तिरंगा 351 फीट का था। सिकंदरपुर स्थित अन्नपूर्णा मंदिर से निकला तिरंगा यात्रा लोगों का आकर्षण का केंद्र बन गया। इस तिरंगा यात्रा में भारत माता के स्वरूप में मनमोहक झांकी लोगों को लुभा रही थी। देश के सम्मान में इस तिरंगे को देखने के लिए लोगों की सड़कों पर भीड़ उमड़ पड़ी। हर कोई इस तिरंगे को एक बार छूकर सलाम करना चाह रहा था। तिरंगा यात्रा के दौरान वंदे मातरम और भारत माता की जय घोष से पूरा शहर गुंजमय हो गया। शहर के जिस मार्ग से यह तिरंगा यात्रा निकला, लोग इसके सम्मान में खड़े हो गए और देश के वीर सपूतों को नमन करने लगे। हर वर्ष सिकंदरपुर के रामगढ़ परिवार के युवाओं द्वारा यह तिरंगा यात्रा निकाला जाता है, जो सरैयागंज टावर से होकर छाता बाजार, दुर्गा स्थान, दीपक सिनेमा रोड, हरिसभा चौक, जवाहरलाल रोड और कंपनी बाग के रास्ते होते हुए रामगढ़ चौक पर समाप्त हो जाता है। इस वर्ष युवाओं में स्वतंत्रता के 75वें अमृत महोत्सव का खास उत्साह देखने को मिला। रामगढ़ परिवार के सदस्य आकाश सहनी ने बताया कि हम लोग प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी और 15 अगस्त को तिरंगा यात्रा निकालते हैं। यह देश के उन तमाम स्वतंत्रता सेनानियों और देश की रक्षा में अपने प्राण को निक्षावर करने वाले उन वीर शहीद सेना के जवानों की याद दिलाता है, जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए बलिदान दे दिया। तिरंगा शोभा यात्रा पिछले 4 वर्षों से हम लोग शहर में भव्य तिरंगा यात्रा का आयोजन करते आ रहे हैं। यह पांचवी बार स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर 351 फीट तिरंगा शोभा यात्रा। आज यह जो आज़ादी का 75वीं अमृत महोत्सव है, उस पर हम यह सभी देशवासियों को आजादी के इस पर्व को सुखपूर्व तरीके से मना। तिरंगा यात्रा कहाँ से कहाँ तक होगी? यह तिरंगा यात्रा हम लोग रामगढ़ परिवार द्वारा संचालित नारायण मार्केट से होते हुए सरैयागंज टावर
मंगल मार्केट, बाबा की नगरी गरीबनाथ धाम, पुरानी बाजार, नई बाजार होते हुए मोती झील, इस्लामपुर कंपनी बाग होते हुए अंत में टावर होते हुए हम लोग रामगढ़ चौक पे इसका समापन कर रहे हैं। यह हम इस तिरंगा शोभा यात्रा के साथ पूरे शहरवासियों को यह संदेश देना चाहते हैं कि हम लोग भारतीय हैं, भारतीय एकता जिंदाबाद, जय हिंद जय भारत। स्वतंत्रता दिवस पर वंदे मातरम सेवा दल मंच द्वारा सरैयागंज टावर चौक पर झंडोत्तोलन किया गया। आज पूरा देश में आजादी का 75वां वर्षगांठ हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। इसी कड़ी में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर सोमवार को वंदे मातरम सेवा मंच की ओर से शहर के हृदय स्थलीय सरैयागंज टावर चौक पर झंडा तोलन का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर भाजपा जिला उपाध्यक्ष हरिमोहन चौधरी ने झंडा तोलन किया। इस दौरान मुख्य अतिथि के साथ के जिलाध्यक्ष सहित मंच के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रध्वज को सलामी देकर राष्ट्रगान गाया। वहीं समारोह को संबोधित करते हुए जिलाध्यक्ष राजीव सत्यम ने कहा कि मुझे और मेरे मंच के सदस्यों को गर्व है कि हम सब भारतवासी देश आज़ादी के 75वां वर्ष को धूमधाम के साथ मना रहे हैं। यह स्वतंत्रता दिवस देश के उन तमाम स्वतंत्रता सेनानियों और देश की रक्षा में अपने प्राण को निक्षावर करने वाले उन वीर शहीद सेना के जवानों की याद दिलाता है जिन्होंने देश की आजादी के लिए हंसते हंसते बलिदान दे दिया। आजादी के 75वें अमृत महोत्सव पे आज शहर के हृदय स्थली सरैयागंज टावर चौक पे वंदे मातरम सेवा मंच के द्वारा झंडोत्तोलन का आयोजन किया गया, जिसमें हमारे मुख्य अतिथि भाजपा जिला उपाध्यक्ष हरिमोहन चौधरी थे। उन्होंने झंडोत्तोलन किया और राष्ट्रीय मिठाई जलेबी का वितरण भी किया और सभी सदस्यों व पदाधिकारियों और कुछ राहगीरों में नाश्ते का भी वितरण किया, नाश्ते का पैकेट का वितरण किया। राजीव सत्यम, अध्यक्ष वंदे मातरम सेवा मंच, जय हिंद जय भारत। तुर्की गाछी मेला में संत निरंकारी मंडल द्वारा पर्व का आयोजन किया गया। संत निरंकारी मंडल के ब्रांच तुर्की की ओर से संत संघ स्थल तुर्की मेला गाछी के प्रांगण में मुक्ति पर्व का आयोजन किया गया, जिसमें मानवता के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले अनेक मुक्त हुए संतों के जीवन से प्रेरणा लेते हुए उनके तप त्याग को श्रद्धा के साथ याद किया गया। ऐसे पुरातन महात्माओं के कर्तव्य पालन, आदम्य साहस, तप त्याग और बेमिसाल जीवन को नमन किया गया। आज के समय में निरंकारी सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज ब्रह्म ज्ञान देकर के विश्व बंधुत्व को सफलता की ओर ले जाने का प्रयास कर रहे हैं। ब्रांच के मुखी आदरणीय कुमार रंजन जी के नेतृत्व में अनेकों श्रद्धालु भक्तगण तुर्की मेला गाची के प्रांगण में उपस्थित होकर मुक्ति पर मनाया गया और सत्संग का आनंद लिया गया, जिसमें दूर दराज से आए हुए अनेकों महात्माओं ने भाग लिया। सेवा दल की अहम भूमिका रही और पीटी परेड हुआ, सत्संग कार्यक्रम हुआ, अनेक कलाकारों द्वारा भक्ति गीत की सुंदर प्रस्तुति की गई। निरंकारी मिशन के लिए भी विशेष है और भारतवर्ष के लिए भी विशेष है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि आज स्वतंत्रता दिवस भी है। हम 75वें स्वतंत्रता दिवस को मना रहे हैं, साथ ही इस निरंकारी मिशन भी अपने 75वें वार्षिक समागम भी करने जा रहा है और आज जो है तो मुक्ति पर्व मना रहा है। मुक्ति पर्व का मतलब होता है अध्यात्म के क्षेत्र में कि जीव इस संसार के मोह माया से छूट जाए, और ये बार बार जो शास्त्रों के अनुसार आने जाने की बातें होती हैं, जन्म लेने और मरने की बातें होती हैं, इससे उसे छुटकारा मिल जाए। और इसके लिए सदगुरु ने और पीर पैगंबरों ने तप त्याग करके बलिदान करके इस मिशन को यहाँ तक लाया है, और उन्हीं तमाम जो बलिदानी लोग थे जो शहीद होकर के भी अपने जीवन को कुर्बान करके भी इस मिशन को अध्यात्म को आगे ला करके दुनिया को मुक्ति का मार्ग दे रहे हैं, आज हम उन्हीं लोगों को याद कर रहे हैं। मुक्ति पर्व को आदि के अवसर पर उन्हीं लोगों को श्रद्धांजलि समर्पित कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? नीतीश्वर महाविद्यालय में स्वतंत्रता दिवस पर सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर नीतीश्वर महाविद्यालय में झंडा तोलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें झंडा तोलन के बाद बच्चों के द्वारा विभिन्न प्रकार के सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन हुआ। कॉलेज के प्राचार्य मनोज कुमार ने बताया कि वृहद रूप से सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जो सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। आने वाले दिनों में ऐसे कई तरह के सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। इस
किशोर महाविद्यालय में हम लोगों ने एक सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया है और बहुत ही बढ़िया कार्यक्रम हुआ है। इसके वीडियोज आपको मिल जाएंगे। हमको लगता है कि पूरे मुजफ्फरपुर में इससे बेहतर कार्यक्रम नहीं हुआ होगा। मैं सभी कलाकारों को बधाई देना चाहता हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाले दिनों में भी वो इसी तरीके से इस महाविद्यालय में कार्यक्रम करेंगे। खबरों का सिलसिला यही होता है समाप्त। अब मुझे और मेरी पूरी न्यूज टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर मिलेंगे आपसे शहर की तमाम खबरों के साथ। नमस्कार।